कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया है कश्मीर घाटी में, और ये कहा है कि पिछले 10 सालों में जो इसकी पिक्चर है नए कश्मीर की, जो हमने एक नींव रखी थी, आज देखने में आया है कि बदलाव देखने को मिले हैं। आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने कहा है। मैं कौन हूं उनका उसके बारे में कहने के लिए, उन्हें देखा है। अफसोस है वो मर नहीं आए हैं, मर की हालत भी देख लेते, पता लगता हम कहाँ हैं। ये सड़क देखिए जो बानिहाल से रामबन तक है, उसकी हालत देखिए। हम तो देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 370 की आड़ में कुछ फैमिलीज ने इसका फायदा उठाया। 370 इनको याद रखना चाहिए, महाराजा हरि सिंह साहब को ये भूल गए। उन्होंने 1927 में कानून बनाया था। किस लिए बनाया था? कि डोगरा कल्चर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। यहाँ गरीब लोग थे, उनकी ज़मीनें पंजाबी खरीद लेते। उस वक्त पंजाब था, उस वक्त हरियाणा पंजाब या पाकिस्तान नहीं था। बचाने के लिए कि नौकरियाँ यहाँ हों, यहाँ के बच्चों के लिए हों। आज हाल क्या है? आज नौकरियों के लिए बाहर से लिया जा रहा है। आप अपना सेक्रेटेरिएट देखिए, कितने हैं उसमें जो जम्मू या कश्मीर से हैं, कमिश्नर से हैं, बताइए मुझे। कौन जानता है कि मढ़ कहाँ पे है? कौन जानता है वो सुरनकोट कहाँ पे है? जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में कंपेयर किया था दो स्टेट्स को, जम्मू कश्मीर को और गुजरात को, उसके जितने भी उनने आंकड़े दिए थे उसमें जम्मू कश्मीर बहुत ऊपर था। आज उन 10 सालों में देखिए उन आंकड़ों में कितना फर्क आया, आपको खुद पता चल जाएगा हम कहाँ खड़े हैं। इसके साथ साथ जो आप सीट शेयरिंग को हल्लंगी लेकर आपने 3 सीटों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें जो आपके जो इंडिया ब्लॉक के अन्य जो दल हैं जिनमें पीडीपी है, अगर वो नाराजगी शो कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? आपको कैसे लगा पता कि वो नाराजगी दिखा रहे हैं? तो उन्होंने कांग्रेस से भी मदद मांगी है, कांग्रेस से भी उन्होंने संपर्क किया इस मामले में, और आपकी भी बात गलतफहमी है। हमें कोई खबर है कांग्रेस से नहीं आई है कि उन्होंने उनसे संपर्क किया है। पता नहीं आपको किसने बताया। सर, जो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जो हैं घोषित किए हैं जम्मू के लिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कब तक अपने कैंडिडेट घोषित करेगी कश्मीर का? इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेगी, बहुत जल्दी। तो सर, जो लोकसभा इलेक्शंस हैं और जो उसके बाद असेंबली इलेक्शन और पंचायत और लोकल बॉडीज की बात हो रही है, साथ साथ करवाए जाएंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके लिए तैयार है? आपको लगता है कि अब समय आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी हुई है कि सितंबर से पहले इलेक्शन करवाए जाएं? हम लोग साल हर साल से तैयार हैं, बल्कि अभी भी तैयार थे जब निकला था कि पंचायत के इलेक्शन होंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होंगे। क्या हुआ कि उनको फौरन 5 दिन के बाद वापस लिया गया? हम तो उसके जिम्मेवार नहीं थे, हम तो तैयार थे। अगर हम तब तैयार थे तो आज क्यों नहीं हम तैयार हैं? हम तैयार हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग अपनी हुकूमत बनाएं, यहाँ अपना पंचायत का मेंबर हो, पंच हो, सरपंच हो, हम चाहते हैं म्यूनसिपैलिटी हो, टाउन एरिया कमेटीज़ हों, जो लोगों के भलाई के लिए काम करें। सरकारी अफसर को क्या है, वो तो 60 साल में रिटायर होगा, मगर 5 साल के बाद तो पंच को फिर से जाना है, सरपंच को फिर से जाना है, म्यूनसिपल के मेंबर को सबसे फिर से जाना है। वो तो लोगों के सामने क्या कहेगा? अफसर को तो आप कुछ नहीं कह सकते, मगर दूसरे का आप गरेबान पकड़ सकते हैं। बोलो मेरी सड़क कहाँ है, तुमने मुझे पानी नहीं दिया है, मेरा स्कूल की हालत देखो, मेरे अस्पताल की हालत देखो। इसलिए हम लोग तैयार हैं। सर, एक अंतिम सवाल ये होगा कि आप 3 सीटों में अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्या इश्यूज क्या रहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक इश्यूज का सवाल है, हमारा मैनिफेस्टो निकलेगा, उसमें आप देखिएगा हमारे इश्यूज क्या हैं। सबसे बड़ा इश्यू हमारा ये है कि यहाँ तरक्की होनी चाहिए, यहाँ के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, यहाँ के जमीन के मालिक यहाँ के लोग हैं, बाहर के नहीं हैं। यहाँ जितने भी आप इस वक्त ठेके दे रहे हैं वो आप बारे वालों को दे रहे हैं, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग एक भोरी जो है वो रेत की नहीं उठा सकते, वो बाहर वालों को दे दिया गया है। क्या क्या बताऊँ आपको जिसमें कि बाहर वाले आज कब्जा कर रहे हैं? क्या जम्मू वाले इतने बेवकूफ़ लोग हैं या कश्मीर वाले इतने बेवकूफ़ हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते? अरे, यही वो रियासत है जिसमें जोरावर सिंह था, जिसने तिब्बत तक महाराज की हुकूमत ले गया था।
थे या नहीं थे, तो आज कहाँ है वो? अगर आप नहीं सहचानते, अगर हमारा भी दर्द है, आप केरला से ला रहे हो एक आदमी को नौकरी के लिए, क्या यहाँ जम्मू के बेवकूफ हैं कि वो नौकरी पर नहीं जा सकते? हम इसके लिए लड़ेंगे कि यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए, यहाँ के बच्चे का हक, बच्ची का हक होना चाहिए कि वो अपने पाँव पे खड़े हो। अब जब इन्हें ये IITs वगैरह बनाई हैं, अगर इसमें सब बच्चे बाहर से आएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या हमारे बच्चे को बम्बे जाना पड़ेगा? कहाँ से वो गरीब आदमी उसका खर्चा बर्दाश्त कर सकता है? एक बात और रखिए, 370 में ये था कि आप जब गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, सारी तालीम जो थी वो मुफ्त थी, मुफ्त। आज जब से वो चला गया है, आज सिर्फ 14 जमात तक तालीम मुफ्त है, उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको अपने खर्चे पे देना है, सारी तालीमें जो हैं उसके लिए आपको पैसा देना है। गरीब कहाँ से लाएगा? गरीब की हालत क्या है? क्या गंदों को देख लीजिए, पहाड़ों के लोगों को देख लीजिए, आपके मर के लोगों को देख लीजिए, क्या इनका बच्चा अफोर्ड कर सकेगा? इसको हमने बदलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बात करने के लिए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।